दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। जैसे कि स्क्रीन पर आप देखा होगा हमारा थंबनेल, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। अगर विलेज में आप बनवाते हैं तो आपको बेहतरीन सा एक डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और इसका साइज़ है 27x50, मतलब 27x50 फीट में बना है। फ्रंट में इसके रोड है और एक साइड में रोड है। ये पश्चिम मुखी मकान है, मतलब कि आपका पश्चिम में इसका मेन दरवाज़ा रहने वाला है। और साइड में भी एक रोड होने के कारण मैंने दोनों तरफ छज्जा निकाला है, मतलब कि जो आपका बालकनी निकलती वो, और उस पर ग्रिल भी इस्तेमाल की है। जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी आपको टॉप क्लास का मिलेगा, साथ में साइड एलिवेशन है वो भी आपको बेहतरीन सा देखने को मिलता है। साइड में रोड होने के कारण मैंने यहाँ पर मैंने एक डोर भी दिया और विंडो भी दिया प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। और जो हमारे ये प्लान है वो हमारे एक जानने वाले हैं, उनके कहने पर, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मॉडल बना हुआ है। उनको बेडरूम्स बड़े वाले से चाहिए थे, साथ ही बड़ा सा आंगन चाहिए था, किचन लेट बाथ और स्टेयर्स चाहिए थी, साथ साथ एक बारंदा भी चाहिए होता था उनके लिए जिसके में वो पार्किंग कर सकें। तो ये पूरा मॉडल उन्हीं की रिक्वायरमेंट पे बना है। अगर आपका भी प्लॉट 27x50 का है, 27x50 का है, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं और आप सेम टू सेम मॉडल बनवा सकते हैं। ये प्लान इतना खूबसूरत होने वाला है अगर आप विलेज में बनाते हैं। देखिए, काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसी आर्किटेक्चर से अगर वो घर बनवाते तो बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर क्या है, एक एप्लीकेशन से यूज करते हैं लोग और एक खूबसूरत सा घर बनाकर दे देते हैं। लेकिन जब वो बनवाने बैठते हैं ना, कोई भी जो कस्टमर होगा तो वो वैसा नहीं बना पाता। तो कारण होते हैं, क्योंकि जो दिखता है वहाँ पर, उसको बनवाने के लिए आपको मोटा पैसा खर्च करना होता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट यही रहती है, मतलब कि मेरा मानना यही है कि ऐसे मकान बनाए जाएं जो लोग एफोर्ड कर सकें और उनका पैसा कम लगे। क्योंकि जो मैं मॉडल क्रिएट करता हूँ, ज़्यादातर ऐसे मॉडल क्रिएट करता हूँ कि लोग कम बजट में बेहतरीन सा मकान बना सकें। और काफ़ी लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आपको उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज मैं बताऊंगा 27x50 के मॉडल को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे जो भी मैं मॉडल्स क्रिएट करता रहता हूं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी यूट्यूब पर डालता रहता हूं, तो आप हमें ज़रूर से फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट हाउस प्लान को, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का जो प्लान होने वाला है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिएगा, ये बेहतरीन सा प्लान आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ, 27x50 फिट का। कलर कॉम्बिनेशन आप देखिएगा, अगर आप ऐसा कलर कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो आपको एक बेहतरीन लुक देखने को मिलेगा। मॉडल बहुत ही खूबसूरत होने वाला, बारंदा आपको मिलता है, साथ साथ साइड में ये देखिएगा, फ्रंट इसका ये 27 फिट है ओवरऑल। और इसके बाद फ्रंट में मैंने बोला था साइड में एक रोड है, तो इधर भी आपका रोड है। इस वजह से मैंने यहाँ पर डोर और विंडोज दिए हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एक डोर भी दिया है, जिससे आप यहाँ से भी एंट्री कर सके अगर करना चाहें। अगर आपका साइड में रोड नहीं, तो आप इन सभी विंडोज को और साइड वाले डोर को हटा सकते हैं, प्रॉपर एक वॉल बना रहेगा। और आपका ये ग्रिल है, ये भी आपका जो बालकनी निकला है 2.5 से 3 फीट का, उसे रिमूव कर सकते हैं, बाद बाकी थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। तो ये पूरा मॉडल 27x50 फीट में बना है, ग्राउंड फ्लोर। हालांकि उनको ग्राउंड फ्लोर की ही रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर ही क्रिएट किया है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे 27x50 में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, मैक्सिमम जूम, जिससे देखिएगा ये जो मॉडल बना है, जिसकी ग्रिल है, ये यहाँ पर मैंने राउंड शेप क्रिएट किया है और इधर आपका रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब कि बिल्कुल 180 डिग्री का यहाँ पर मैंने एक ग्रिल बनाया है। और इधर भी मैंने ऊपर बिल्कुल व्हाइट कलर का रूप रखा है। इसके बाद बारंदे का जो डिज़ाइन देख रहे हैं, इधर एक कॉर्नर पर मैंने पिलर दिया है। इसके बाद ये डिज़ाइन यहाँ पर मैंने यू शेप में आपको दी है, फ्रंट में और साइड दोनों में सिमिलर डिज़ाइन दी रखी है। अब ये डिज़ाइन आप सोच रहे हैं कैसे बनेगा, तो या मिस्त्री से कॉन्टेक्ट जो करेंगे ना, वो आपको बनाकर देगा। इसके बाद यहाँ पर एक विंडो मैंने दिया है और इस पर फ्रेम भी एक दिया है मैंने बेहतरीन सा। और साइड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में भी एक डोर है, जिससे आप एंट्री कर पाएंगे। इस डोर को मैंने यू शेप में क्रिएट किया है और यहाँ पर 3 विंडो दिए हैं, देखिएगा सभी में फ्रेम लगा हुआ है। और पीछे दो साइड यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोज्ड मकान है। तो ये पूरा मॉडल आज मैं डिस्कस करूँगा। बात करता हूँ उसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका देखिए ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, फ्रंट से सामने से आपको ऐसा दिखेगा, ये आपकी देखिएगा स्टेयर से ऊपर जाएंगे और ये आपका स्लोप है जिससे आप ऊपर जाएंगे। इसका यहाँ पर मैंने कुछ डिजाइनिंग के पर्पज से प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं। इसका ये विंडो है, ये आपका बारंदा, इससे आप जैसे ऊपर जाते हैं ना, आप साइड में भी स्टेयर दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो बारंदा, हालांकि मैंने नहीं दिया है। और इसके बाद आपको मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा मॉडल पूरा होने वाला है। 27 फीट काफ़ी पर्याप्त स्पेस आपके पास होता है और 50 फीट भी पर्याप्त स्पेस होता है। तो लेकिन ग्रामीण
क्षेत्र में घर बना हुआ है, तो इसमें रूम क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में चीज़ें थोड़ी बड़ी रिक्वायर्ड होती हैं। या शहर में क्या 10x10 का रूम भी चल जाता है, बट गाँव में 10x10 का नहीं चलता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाँव से बिलोंग करता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता रहती हैं। क्योंकि गाँव में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लोगों को अनाज पैदा होता है खेतों से, उन गेहूँ चावल उनको वहाँ पर स्टोर भी करना होता है, इसलिए उनको बड़े से बेडरूम होने चाहिए। तो जैसे आप बरामदे में आते हैं ना, तो एक मेन डोर यहाँ पर है, दोनों तरफ डोर के मैंने विंडो दिया प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। वहीं अगर बात करें, ये गेस्ट रूम मैंने क्रिएट किया है फ्रंट में, ये एक बेडरूम है जिसके लिए फ्रंट में भी डोर है और सॉरी विंडो है, और इधर साइड से डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, दोनों साइड भी विंडो मैंने दी है। तो ये तो आपका गेस्ट रूम हो गया। अब बारंदे जैसे आप अंदर जाते हो तो ये आपका पूरा आंगन लॉन टाइप का देखने को मिलता है, और यहाँ पर मैंने किचन बनाया। कि देखिए किचन का साइज एक काफ़ी बड़ा है, क्योंकि पूरा एक बेडरूम कवर करता है। अगर आप एक छोटा बेडरूम चाहते हैं ना जो शहरों में, तब वो एक कमरे की तरह ही काम करेगा, लेकिन मैंने किचन काफ़ी बड़ा रखा है। तो ये आपका किचन है। इसका देखिए आपकी स्टेयर से मतलब जीना, यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर बाहर की तरफ आप मतलब अंदर की तरफ आप जाते हैं। इसका ये बड़ा सा आंगन, जो कि आंगन बहुत ही रिक्वायर्ड होता है विलेज में, क्योंकि कोई भी काम होता है तो आंगन में लोग बैठते वगैरह है, तो रिक्वायर्ड बहुत ही होता है। अब बात करते हैं इधर साइड से भी आपको मैं दिखाता चलूँ, तो यहाँ पर एक विंडो दिया है, ये स्टेयर्स के पास देखिए एक विंडो है। इसके बाद स्टेयर जैसे खत्म होता है आपको एक डोर दिया है मैंने साइड वाली रोड से, आप इस डोर के माध्यम से अंदर जा पाएंगे आंगन में, जो कि एंट्री होगी आपकी। वहीं इधर मैंने एक विंडो और दिया है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप, तो ये आपका देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, गाँव में लोग लेट ज़्यादातर बाहर बनवाते हैं, उनकी रिक्वायर्ड होती है कि जो भी उनका टॉयलेट होता है वो बाहर बनवाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, हालांकि मैंने अंदर भी बना दिया है। यहाँ पर ये देखिए बाथरूम है आपका, ये लेटरिंग है, अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शनल है, नहीं तो आप पूरे को बाथरूम बना सकते हैं या इसे स्टोर रूम बना सकते हैं, ये आपका बात बना रहेगा, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। या अगर आप इसे इंटरचेंज करना चाहते हैं, आप इसे स्टोर रूम बनाना चाहते हैं, इसे बाथरूम बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। इसके बाद दो पीछे बेडरूम दिए, अब 27 फुट को मैंने ओवरऑल दो में स्प्लिट कर दिया है, दो भागों में, मतलब ये पूरा 27 फुट था। इसके बाद ये यहाँ पर आप 6 इंच का हालांकि मैंने वॉल बनाया है, इसके बाद ये बीच में आपको वॉल दे दिया, तो लगभग 12.5 फीट के अप्रॉक्स में इधर से ये वाला जो साइज है ना 12.5 मतलब 13 अप्रॉक्स में आप समझ के चलिए, 13 इधर 13x13 के पीछे बेडरूम, 13x13 के आगे बेडरूम, 13x9 फीट का किचन, बड़ा संवेद देखने को मिलता है। वहीं आपकी लेट बात और बाथरूम भी बड़ा मिलता है। वहीं आंगन की बात करें तो आंगन भी आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। साइड में डोर होने विंडो सॉरी रोड होने की वजह से मैंने इस वाले बेडरूम में एक विंडो भी दे दी है, जिससे आपको वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो, हवा वगैरह जो भी है प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, क्योंकि दोनों तरफ बेडरूम आपकी रोड है इस वजह से। तो ये 3 बेडरूम बड़ा सा किचन लेट बाथ वगैरह बनाई। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपको ज़्यादा बेडरूम चाहिए होंगे तो आपको फिर कहीं ना कहीं छोटी चीज़ें क्रिएट करनी होगी, क्योंकि जगह तो आपके पास उतनी है, तो उन्हीं में श्रिंक करना होगा, वो भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन गांव के हिसाब से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया, मैं बता दूं आपको, जूम करके दिखा दूं, इधर ये देखिएगा डिज़ाइन बना हुआ है फ्रंट का साइड का, आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं। तो ये तो होगी ग्राउंड फ्लोर, बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर जैसा कि मैंने बताया, देखिए 2.5 फीट आगे मैंने यहाँ पर छज्जा निकाला है इधर से, और 2.5 फीट इधर वॉल को छोड़कर 2.5 फीट स्पेस में लगभग 3 फीट का। इसके बाद ये ग्रिल बनाया ना, इसको मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक स्लोप दिया है, मतलब कि राउंड शेप में ग्रिल यहाँ पर लगाई है, गोल जो आपकी लिखती है। इसके बाद यहाँ स्ट्रेट लगाई है डिजाइनिंग के पर्पज से, आप देखिएगा एक कट टाइप को आपको दिख रहा होगा, ये राउंड शेप ये डिजाइन है, ये आपका मिस्त्री बनाएगा। इधर भी सिमिलर डिजाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है, और ग्रिल आपका स्टील का दिया है। अगर आप और थोड़ा बजट अपना कम करना चाहते हैं तो आयरन लोहे का लगवा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है क्या आप चाहते हैं। तो ये 27x50 फीट का बेस्ट मॉडल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सपोज दैट आप चाहते हैं पूरे घर को क्लोज्ड करना, ये घर आपका क्लोज है लेकिन बारंदा आपका ओपन रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं बारंदा तो आप इसे एज ए एक बेडरूम कन्वर्ट कर सकते हो, बाहर बड़ा सा गेट लगवा सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वैसा घर आप बनवाइएगा। मैंने ऑप्शनल दे दिए, आपको ऑप्शन दे दिए क्या क्या आप चेंजमेंट इसमें कर सकते हैं। तो ये पूरा 13x50 फीट का मॉडल बना हुआ है। तो दोस्तों ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है मॉडल क्रिएट करने में, घर बनाने में, तो आप हमें अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि घर का डिज़ाइन आपका कैसा लग रहा है। और बात करूँ स्टेयर्स की गुमटी की,
सवाल आपका हो सकता है कि गुमटी मैंने यहाँ पर नहीं क्रिएट की है, जो आपका जीना जाएगा ना ऊपर, तो ऊपर जब खुला रहता है ना उसके लिए गुमटी क्रिएट करनी पड़ती है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो मैंने चीज़ें वो नहीं क्रिएट की है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 27x50 फुट में ये मॉडल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ वीडियो को सॉरी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे जुड़े नहीं हैं, तो जरूर जुड़ जाएं। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।